वाइल वी वर वर्किंग फॉर दैट प्रोडक्ट वी यूज टू टॉक टू पेरेंट्स एंड किड्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू लिसन दैट मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना इंजीनियर बनाना या गवर्नमेंट जॉब करवानी है एंड वी स्टार्ट विथ इंजीनियर वाला थिंक कि यार हाँ जेई और आई आई टी की तैयारी करवाएंगे देन मेडिकल वाला तैयारी करवाएंगे जो बिफोर ट्वेंटी टेंथ था वो अलग इंडिया था आज वो अलग एक्सपीरियशन रखता है हर कोई सो ऑन देट कॉन्सेप्ट एक्चुअली वी स्टार्ट दिस लॉन्ग फॉर्म सीरीजेंट इन नॉन फिक्शन साइड एंड इट वर्कड वेरी वेल हाइस्ट इंगेजमेंट हाइस्ट लिसनिंग टाइम सो फ्रॉम देट वी कनेक्टेड क्या इंडिया इस लाइक थोड़ा डिफरेंट लाइक थोड़ा डिस्कवरी में प्रॉब्लम होती है एक बार तुम डिस्कवर करवा दो तो उसको पता तुम कितना ही बड़ा कॉन्टेंट दे दो लेकिन तुम बार बार डिस्कवरी वाली साइड पर लेके जाओ तो इंडियंस ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेंगे और दैट्स वाई अपना टी वी सीरीज इतनी लंबी होती है पहले था कि मेरे को आर्मी में जाना है देन मेरे को टीचर बनना है बट मेरा ये सारी चीज़ें चेंज हुई जब लाइक वेन आई स्टार्टेड लविंग साइंस लाइक मेरे को साइंस बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई थी एंड वाइल्ड आई वाज लाइक इन क्लास सेवन्थ एट नाइन्थ तब मेरे को जाके रियलाइज हुआ कि यार अच्छा आगे साइंस लेते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है आर्ट्स और कॉमर्स थोड़ा सस्ते में हो जाता है बायोग्राफी पढ़ के वो एकदम कनेक्ट किया क्या कि कुछ तो बड़ा इम्पैक्ट वाली चीज़ करनी है एंड ऑन्टरप्रोनरशिप के बारे में पता चला कि यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी ऑल्सो और इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ईजी है स्टार्ट करना जब इंग्लिश में आया तो पता चला कि बहुत बड़ा लाइब्रेरी तो इसी में एग्जिस्ट करता है पूरा नॉलेज तो इंग्लिश के अंदर एग्जिस्ट करता है और हम जो हिंदी में पढ़ते हैं वो तो बस पर्टिकुलर एजुकेशनल बुक्स को तुमने ट्रांसलेट करके दे दिया बाकी का नॉलेज तो कहीं एक्सेस ही नहीं होता दुनिया की बेस्ट किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही है तो ये चीज भी कनेक्ट हुई अगेन अगर अगेन होस्ट सिद्धार्थ अलू वेलकम टू हंड्रेड एक्स पॉडकास्ट Today I have with me Lal Chand Bisu, founder of Kuku FM. Cuckoo FM is India's largest audio platform with 2 million paid subscribers on its platform. Bisu, welcome to the podcast. Thanks. Thanks for inviting me here. Bisu, you are building a very different product, right? Which is for the masses in India, tier 2, tier 3. At one point in time, people said that you know masses in India, because you know they are poor, they don't want to pay for a content-based product but you proved everybody wrong yeah your audience is paying you between 250 to 400 rupees per year annually for the paid subscription of kuku fm how does it feel to prove everybody wrong <laughs> i think this is the wrong perception that indians don't pay i am in the startup world from last 10 years my first company was in education space सो इंडियंस बिहेव बिट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज आप वेस्टर्न कंट्रीज में यू कैन सी इंडिविजुअल का कि इनकम कितना है हाउ मच सी दे कैन पे एंड दे विल बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट बट इन इंडिया यू हैव टू सी एज ए फैमिली इफ दिस फैमिली कैन अफोर्ड इट और नॉट इफ़ यू सी as a फैमिली दे spend but they are very particular in द spend. Like वो mostly तीन जगहों पर तो पक्का spend करते करते चाहे उनको अपना house sell करना पड़े अपनी लैंड सेल करनी पड़े वन इज एजुकेशन सेकेंड इज स्टेटस ड्रिवन थिंग्स उसमें शादी भी हो सकती है उसका दहेज हो सकता है या कपड़े हो सकते हैं थर्ड इज़ हेल्थ उसके लोग कुछ भी करने को तैयार है सो इंडिया बिहेव बिट डिफरेंट देन अदर कंट्रीज और जो यहाँ पे लाइक like, एक्चुअली जो रहता है जो कल्चर को समझता है दे नो दैट इंडियंस आर नॉट लाइक दे विल नॉट पे दे विल पे बट दे आर वेरी मनी कॉन्शियस और वैल्यू कॉन्शियस बट या इट इज़ नॉट ट्रू कि वो पे ही नहीं करते हैं इंडियन एक्चुअली पे फॉर थिंग्स अगर उनको लाइफ में वैल्यू एड हो रही हो तो एंड हाउ डज इंडिया स्टेटस लाइक वी आर वेरी स्टेटस ड्रीवन और स्टेटस ड्रीवन के अंदर ऐसा होता है कि अगर कुछ चीज़ मेरा स्टेटस बढ़ा रही है आई विल स्पेंड फॉर दैट आई थिंक एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट लाइक मोस्टली पेरेंट्स किड्स को एजुकेशन के लिए इसलिए भेजते हैं कि उसका बच्चा एजुकेट हो तो भी वो प्राउड फील करे देखिए उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो भी उनको प्राउड फील mm. होता है दैट इज ऑल्सो लाइक कम्स फ्रॉम स्टेटस दूसरा स्टेटस होता है कि यार अगर मैं सोफ कर सकूं कि यार हाँ मैंने मेरी बेटे की शादी में इतना दहेज दिया है दैट इज सोफ थर्ड इज जो अगेन स्टेटस से निकल के आता है थोड़ा ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है कि यार लोग कहीं ऐसे रेंडम चीजों पर स्पेंड नहीं करेंगे रेंडम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे बट इफ एवरी वन बिलीव लाइक अगर बड़े लोग बिलीव करते हैं कि यार अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कोई अच्छी ड्रेस पहन के रखता है तो आई विल ऑल्सो बाई देट सो उसका ट्रस्ट एक्चुअली उसके ऊपर रहता है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटसोसाइटीज़ तो मोस्टली वैल्यू लाइक वीड ड्राइव वैल्यू फ्राम दट स्टेटस इट शुड लिंक समवेयर इन माई स्टेटस अगर वो आप उसको लिंक को कनेक्ट कर पाओ देन यू कैन सेल एनी प्रोडक्ट टू इंडियंस सो आई थिंक कुकूपम ऑलसो फिट्स वेरी वेल इन लाइक फॉर योर एस्पिरेशन लाइक इट इज क्लोजर टू एजुकेशन एजुकेशन ऑल्सो एट द एंड लाइक कनेक्ट विथ योर एस्पिरेशन We are also like fulfilling people's aspiration in India. More than 90% content is in non-fiction side. Personal finance history, biography, recently we did parenting content. All this content लाइक इफ यू talk to our users our listeners all of them want to grow in their life they want to learn something if a student is there then they want to learn more while they are commuting and traveling if there is a shopkeeper then they want to grow their business if there is a security guard they want to learn more this link to aspiration and aspirations link to status so the value connects from your status to aspiration to like then you want to do something so how is kuku fm an aspirational product for the indian masses सो लेट मी टेल यू द जर्नी ऑफ कुकू एफ एम सो एक्चुअली लाइक आई स्टार्ट इन माई फर्स्ट कंपनी इन ट्वेंटी ट्वेल्व जस्ट आफ्टर द कॉलेज इन एजुकेशन स्पेस एट दैट टाइम लाइक वाइल वी वर वर्किंग फॉर देट प्रोडक्ट वी यूज टू टॉक टू पेरेंट्स एंड किड्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू लिसन दैट मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है इंजीनियर बनाना है या गवर्मेंट जॉब करवानी है एंड एक्चुअली दैट प्रोडक्ट ऑल्सो लाइक वी स्टार्टेड विद इंजीनियर वाला थिंक कि यार हाँ जेई और आई आई टी की तैयारी करवाएंगे देन मेडिकल वाला तैयारी करवाएंगे लाइक टू थाउजेंड फिफ्टीन आई गोट एक्वाइड बाई ट डॉट कॉम देन आई स्टार्ट वर्किंग इन टॉपर आई हैव स्पेंड टू एंड हाफ ईयर देर आई वॉज क्लोजली ऑब्जर्विंग इंडियन कंज्यूमर सेगमेंट कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं देर वॉज इंटरेस्टिंग ट्रेंड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन टू लाइक ये नाइनटीन ट्वेंटी तक का बीच में क्या हुआ कि एकदम से इंटरनेट का अडोप्शन बढ़ा बिकॉज ऑफ जियो एंड विथ इंटरटेन एडोपसन लोगों का एस्पिरेशनल ग्रो हुआ एकदम से पहले केवल डॉक्टर इंजीनियर और सरकारी जॉब की बात करते थे एंड विध इंटरनेट इंक्रीजिंग लोगों के एस्पिरेशन और इंक्रीज हो गए क्या मेरे को स्टॉक मार्केट से रुपये कमा के झुंझुनू वाला जैसा बनना है मेरे को मेरा बिजनेस बना के मेरे को जितने भी बिजनेस के आइकन से कहीं ना कहीं वो लिंक कर रहे थे मेरे को यूट्यूबर बनना है तो ऐसे स्मॉल 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 बहुत सारी चीज़ें हैं और लोगों को ऐसा बनना था एंड अपना जो ट्रेडिशनल एजुकेशन वो फुलफिल नहीं करता है तो तुम्हें लाइक वो एस्पिरेशन सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तो चाहिए उनको वहाँ से ये आइडिया है कि यार हम कुको हम बनाते और इनके एस्पिरेशन पूरा करने के लिए लेट्स प्रोवाइड द कॉन्टेंट एंड ऑडियो फिट्स वेरी वेल बिकॉज जब तुम्हारा तुम्हारे एस्परेशन आता है तो यू आर ऑलरेडी बिजी समवेर या तो तुम कोई जॉब कर रहे हो या तुम अपना काम चला रहे हो या तुम एजुकेशन ले रहे हो और तुम्हारा एस्पिरेशन थोड़ा सा आउट ऑफ दिस है तो मोस्टली यू वॉन्ट टू कंज्यूम योर जो भी तुम्हें बीच में टाइम पीरियड मिलता है वो बीच में टाइम पीरियड कैसा मिलेगा या तो तुम कम्यूट के अंदर बीच में टाइम पीरियड मिलेगा या तुम कब वॉक करने जाओगे तब मिलेगा या कुछ किचन में काम करोगे तब मिलेगा या तुम रेस्ट कर रहे हो तब मिलेगा इन ऑल दिस सिचुएशन ऑडियो फिट्स वेरी वेल एंड एक्सुअल वी वर ऑल्सो यूजिंग ऑडियो फ्राम टू थाउजेंड सिक्सटीन टू वी कनेक्टेड दिस डोर्स की ऑडियो इज समथिंग दैट कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस टाइम जो इज नॉट कम्पीटिंग विद अदर टाइम जो जो स्क्रीन के ऊपर लोग स्पेंड कर रहे हैं तो लाइक देर आर अदर कॉन्टेंट फॉर्मेट जैसे वीडियो में भी कर सकते थे हम वीडियो तुमको स्क्रीन पे देखना पड़ता है लाइक लेकिन तुम स्क्रीन जब कंज्यूम करते हो तो तुम बैठ के ही कंज्यूम करते हो टेक्स्ट में भी कर सकते हो टेक्सट में भी जब कंज्यूम करो तुम बैठ के कंज्यूम कर सकते हो ऑडियो इज समथिंग दट की फिजिकल फ्रीडम तो दैट इस द ब्यूटी ऑफ द ऑडियो इनसाइट so कि इंडिया का जो मासेज है वो एंटरटेनमेंट चाहता है इसलिए सारा इंडिया का जो मास है राइट एक सौ तीस करोड़ लोग वन पॉइंट थ्री बिलियन पीपल ये लोग यूट्यूब पर और ज़्यादातर तो लोग एंटरटेनिंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं आपने थोड़ा सा डिफरेंट पास लिया आपने कहा जो इंडिया का मासेज है वो एस्परेशनल भी है और ये लोग मूव करते हुए कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं जबकि हम देखते हैं जो रेडियो है राइट वो ट्रेडिशनली जो रेडियो था या तो लोग चाय टपरी पे गांव में बैठ के सुनते थे या अपनी कार में आप मूव करते हुए सुनते हैं तो ये काफ़ी हटके है कि आप काम करते करते भी ऑडियो सुन सकते हो तो ये आपको इनसाइट कब है कि लोग ऑडियो सुनेंगे काम करते करते ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू कि इंडियंस केवल इंटरटेनमेंट कंज्यूम करना चाहते हैं अगर आप दस यूजर या ख़ुद को भी अगर आप ऑब्जर्व करो ना थ्रू आउट द डे या दस यूजर्स के साथ टाइम स्पेंड करो तो यूजर्स कंज्यूम कॉन्टेंट बेस्ड ऑन देर मूड लाइक आपका मूड होता है सुबह सुबह आपका अलग मूड होगा दिन में अलग मूड होगा शाम को अलग मूड होगा तो आपका इंटरटेनमेंट कहीं नहीं जा रहा है लोग कंज्यूम करेंगे वो और वो बढ़ेगा भी थोड़ा बहुत मैं ये नहीं बोला कि इंटरटेनमेंट नहीं बढ़ेगा और कंज्यूम नहीं करेंगे लोग लोग कंज्यूम करेंगे बट यू कंज्यूम कंटेंट बेस्ड ऑन योर मूड अब जैसे मॉर्निंग में मोस्टली अगर इंडिया को थोड़ा जनरलाइज करो तो मोस्ट लोग रिलीजन कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं चाहे वो आरती सुनो या कुछ भगवत गीता सुनो मोस्टली लोग रिलीजन कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं दिन के टाइम देखो तो मोस्टली जो कॉन्टेंट कंज्यूम होता है वो होता है मोटिवेशनल टाइप सेल्फ क्योंकि उस टाइम तो थोड़ा एनर्जी चाहिए होता है या तुम्हें कुछ करने का वो रहता है अगर आप इवनिंग में देखोगे तो मोस्ट लोग इंटरटेनमेंट काइंड ऑफ कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो वो थोड़ा सा और आप पर्टिकुलर देखो तो सब अलग अलग हो सकता है इवनिंग में भी सेल्फ हेल्प कंज्यूम कर सकता है बट लोग मूड के हिसाब से करते हैं और एस्पिरेशन इज समथिंग जो इंडियंस के अंदर भरा वी आर ए डेवलपिंग कंट्री वी आर ए ग्रोइंग कंट्री एवरी वन इज एस्पिरेशन इन इंडिया वो जो मिसकनसेप्शन होता है ना कि यार टॉप हंड्रेड मिलियन एस्पीरेशन होंगे या टू हंड्रेड मिलियन एस्पीरेशन होंगे दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअल लास्ट माइल पर्सन तक एस्पिरेशन रखता है चाहे उसके लाइक like, घर पर रुपये नहीं है बट दे वॉन्ट टू एजुकेट देयर किड्स उसको आप स्कूल में भेजेंगे अपने लाइक like, को या तो उधार लेके या अपने लैंड बेच के तो दैट्स नॉट ट्रू कि यार लोग इंडिया में एस्पिरेशनल नहीं लोग लाइक लास्ट माइल तक एस्पिरेशनल है और जो एस्पिरेशनल वाला कंटेंट कंज्यूम होता है वो मोस्टली आपके मूड के हिसाब से आता है जो आप बोल रहे हो ना एंटरटेनमेंट भी कंज्यूम होता, yes, होता है दैट विल बी आल्सो देयर एंड थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी बट यस बेस्ड ऑन मूड तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम होता है हाय एवरीवन बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू शेयर दैट दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय प्राइम वेंचर पार्टनर्स एंड अर्ली स्टेज वीसी फंड लेड बाय अमित सुमानी श्रीपति आचार्य एंड संजय स्वामी प्राइम इज ऑफन द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन कैटेगरी डिफाइनिंग

उसके लिए लोग स्पेंड भी करने के लिए रेडी है लाइक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वो लोग काफ़ी बार मिस कर जाते हैं कि यार लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोग पे नहीं करेंगे बट तुम अगर अच्छे से समझो इंडियंस को इंडियन फैमिलीज़ को इंडियन कल्चर को देन यू विल सी कि यार हाँ

सो ऑल दिस कॉन्टेंट इज़ लाइक एक्सपीरियंस लाइक दस साल पहले हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि लोग पेरेंटिंग कॉन्टेंट कंज्यूम करेंगे हमने बचपन में कभी नहीं देखा कि अपने पेरेंट्स कभी फाइट भी कर रहे हैं कि आ, मेरे को बेटर पेरेंट बनना है मेरे किड को मेरे को अच्छा करना है आज वो इतना इंस्पीरेशन आ गया कि हर कोई चाहता है कि मैं बेटर पेरेंट हूँ मेरे को और चीज़ें पता हो कि मेरा किड की ग्रोइंग बहुत अच्छे से हो लोग उसके लिए कंटेंट के लिए पे कर रहे हैं कुकूफ के ऊपर सो दैट्स द चेंज एक्चुअली लाइक जो बिफोर ट्वेंटी टेंथ था वो अलग इंडिया था आज वो अलग एक्सपीरेशन रखता है हर कोई दीज आर द काइंड ऑफ कॉन्टेंट जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत फिक्शन भी है अगर आपको मूड करता है क्या मेरे को फिक्शन भी कंज्यूम करता है बट देट इज लाइक मोर रियल लाइफ कॉन्टेंट उसमें भी मोटा मोटा लाइक कहीं एस्पिरीशनल का टच रखते हैं हम जैसे कोको एफ एम पे आपने जो पहले बताया हुआ है जो मोस्ट कंटेंट है वो सीरीज कंटेंट है बिकॉज इंडिया टी वी कंज्यूमिंग कंट्री रहा है सारा परिवार एक साथ आके बैठ के टीवी देखता था टीवी सीरीज़ जो बड़ी बड़ी एकता कपूर ने बनाई हुई है वो पाँच हज़ार दस हज़ार एपिसोड्स तक की बनाई हुई है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसके अंदर सीरीज़ के अंदर टेन थाउजेंड प्लस एपिसोड्स होते हैं और एक एपिसोड का ड्यूरेशन एक घंटे का होता है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री बाकी कंट्रीज में इतना लंबा सीरीज चलता ही नहीं है ट्रू तो और वो फिक्शन में काम करता है सास बहू के फिक्शन आपने नॉन फिक्शन कंटेंट को सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया वैन वी स्टार्टेड कुक वी स्टार्टेड विथ पॉडकास्ट तो थोड़ा सा मैं ऑडियो का कॉन्टेक्स देता हूँ ऑडियोज तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि पॉडकास्ट इज ऑडियो लेकिन वो ट्रू नहीं ऑडियो हॉलीजोटली बहुत ही वास्ट है देर आर मल्टीपल बिग वर्टिकल जैसे क्या 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 म्यूजिक इज वन ऑफ दैम देन पॉडकास्ट इज वन ऑफ दैम देन ऑडियो बुक्स कोर्सिसन यू कैन जै रिलीजन सो देर आर मल्टीपल बिग वर्टिकल्स सो वी स्टार्टेड विथ पॉडकास्ट तो पॉडकास्ट क्या होता है वी आर डूइंग कन्वर्सेशन वी कैन वी आर रिकॉर्डिंग दिस दिस इज द पॉडकास्ट पॉडकास्ट इज अ कैप्सुलर कॉन्टेंट फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्म कैप्सुलर कंटेंट फॉर्मेट इस एपिसोड में कुको की बात करें नेक्स्ट एपिसोड में आप कुछ अलग अनकेडमी की बात करोगे एजुकेशन कंपनी की बात करोगे थर्ड एपिसोड में आप किसी सास कंपनी की बात करोगे सो दिस इज द कैप्सुलर कॉन्टेंट दिस एपिसोड्स आर नॉट लिंक टू ईच अदर इंडिया के अंदर वी स्टार्टेड विथ पॉडकास्ट बट विद इन थ्री मंथ वी रियलाइज किया इंडिया में जब नॉर्मल लोग तो कॉन्टेंट पॉडकास्ट कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं एक एपिसोड के लिए सुनने के लिए आते हैं दूसरा एपिसोड सुनते ही नहीं क्योंकि इट इज नॉट लिंक्ड बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा था तो वी स्टार्टेड विथ पॉडकास्ट क्योंकि हम पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे थे और एक्चुअली इंडिया में टॉप फाइव जो इंग्लिश बोलते हैं या स्टार्टअप दुनिया में वो लोग पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं अपन को लगता है कि लोग भी कंज्यूम करेंगे बट दैट्स नॉट ट्रू सो वी स्टार्टेड विथ पॉडकास्ट देन विद इन थ्री मंथ वी रियलाइज किया तो नहीं काम कर रहा इन सेकंड इटरेसन वी एक्चुअली वी डिड दिस यू जी सी कॉन्टेंट लाइक ट्विटर फॉर ऑडियो लाइक यू कैन से जिसके अंदर कोई भी अपलोड कर सकता है कोई भी कंज्यूम कर सकता है इन मेरी बिट साइज कॉन्टेंट थ्री फोर मिनट का कैसा भी क्वालिटी हो सकता है वो भी काम नहीं किया लेकिन वहाँ पर एक बड़ी लर्निंग आई कि यार ऑडियो के अंदर लो क्वालिटी कॉन्टेंट चलेगा ही नहीं

इट माइट वी दैबिट क्या लोगों को एक्चुअली डिस्कवरी के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है एक बार डिस्कवर कर लिया तो चाहे आप मेरे को सौ एपिसोड हज़ार या पाँच हज़ार अपिसोड दे दो लेकिन मेरे को डिस्कवरी बार बार मत करवाओ सो ऑन दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली वी स्टार्ट दिस लॉन्ग फॉर्म सीरीज कॉन्टेंट इन नॉन फिक्शन साइड एंड इट वर्क वेरी वेल हाइस्ट इंगेजमेंट हाइस्ट लिस्निंग टाइम सो फ्रॉम देट वी कनेक्टेड कैट इंडिया इज लाइक थोड़ा डिफरेंट लाइक थोड़ा डिस्कवरी में प्रॉब्लम होती है एक बार तुम डिस्कवर करवा दो तो उसको चाहिए तुम कितना ही बड़ा कॉन्टेंट दे दो लेकिन तो बार बार डिस्कवरी वाले साइड पे लेके जाओ तो इंडियंस ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेंगे वो दैट्स वाई अपना टीवी सीरीज इतनी लंबी होती है इट इज़ वर्किंग इन नॉन फिक्शन साइड आल्सो तो लोग इसके ऊपर कंज्यूम करें एक बार आप उसको डिस्कवर करवा दो उसके बाद गिव देम फिफ्टी एपिसोड और हंड्रेड एपिसोड इन दैट ड्यूरेशन यू कैन लाइक आस्क देम टू अडॉप्ट ऑन अदर कॉन्टेंट ऑल्सो तो वो काफ़ी अच्छा काम करता है आप दो एपिसोड को कैसे कनेक्ट करते हो एक सीरीज में जो नॉन फिक्शन वी हैव दिस लॉन्ग फॉर्म सीरीज सीरीजोड कॉन्टेंट एंड एवरी एपिसोड इज टेन टू फिफ्टीन मिनट और ये एक ही कॉन्टेंट होता है लाइक इट इज लिंक टू ईच अदर तो एक एपिसोड 15, 10 टू 15 मिनट का होगा उसके बाद दूसरा 10 टू 15 आएगा तीसरा आएगा तो आप एक दिन आते हो तो पांच से सात एपिसोड सुनोगे दूसरे दिन पांच से सात आओगे बाद में पांच से सात सुनोगे तो आपको एक कंटेंट कंज्यूम करने में दो या तीन वीक लग जाते हैं और ड्यूरिंग दिस टू टू थ्री वीक यू ऑल्सो डिस्क्रोव अदर कॉन्टेंट ऑल्सो तो आपको दूसरा एक सीरीज कॉन्टेंट और चाहिए होता तो आप जैसे ये खत्म होगा तो आप दूसरा स्टार्ट कर लेते हो सबसे पॉपुलर सीरीज के बारे में बताइए जो कुकू एफ एम पे कोको एफ एम पे सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट कंज्यूम होता है पर्सनल फाइनेंस में जो सबसे पहला हमारा विन था वो भी पर्सनल फाइनेंस के अंदर हमको मिला तो एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आफ्टर इंटरनेट अपना स्टॉक मार्केट काफ़ी लाइक आपने देखा ही होगा रिटेल इन्वेस्टर्स एकदम से एक्सपोनेंशियल हाँ। ग्रोथ हुई है वहाँ पर तो एवरी वन टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट्स एंड वेल्थ के बारे में क्या कैसे वेल्थ बनाऊँ कैसे मैं मेरी मनी को सही से इन्वेस्ट करूँ या कैसे सेविंग करूँ तो ऑल दिस टॉपिक्स लाइक और देर इज नो एजुकेशन आउटसाइड लाइक अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में कहीं आता ही नहीं है कि यार तुम कैसे वेल्थ को मैनेज करो वी डिड टू थ्री एक्सपेरिमेंट्स इन नॉन फिक्शन साइड और हमारा पर्सनल फाइनेंस वाला सबसे ज़्यादा हाइस्ट लाइक गेन आ रहा था हमारा तो वी स्टार्टेड लाइक क्रिएटिंग कॉन्टेंट लाइक काफ़ी सारा डेप्थ क्रिएट किया तो आज भी सबसे ज़्यादा जो कॉन्टेंट कंज्यूमशन होता है वो दैट इज हैपनिंग इन पर्सनल फाइनेंस उसके बाद में वी स्टार्टेड दिस बायोग्राफी वाला तो पीपल स्टार्टेड लिसनिंग बायोग्राफी बायोग्राफी इज ऑल्सो क्लोजर टू दिस बिकॉज वी स्टार्टेड विथ मोस्टली दिस बिजनेस मैन बायोग्राफीज इंडियन बिजनेस मैन बायोग्राफीज जैसे टाटा हो गया या हीरो की बायोग्राफी ये, ये सब बायोग्राफी और देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग आउटसाइड बिजनेस मैन बायोग्राफीज ऑल्सो तो वो भी काफ़ी yeah. अच्छा काम किया थर्ड मोटिवेशन काफ़ी अच्छा काम किया तो so, ये कॉन्टेंट बहुत अच्छा काम करता है अब फाइनेंस के अंदर भी लाइक वी क्रिएट दिस लॉन्ग सेल्फ लाइफ कॉन्टेंट वी डोंट शॉर्ट सेल्फ लाइफ कॉन्टेंट लाइफ शॉर्ट सेल्फ लाइफ कॉन्टेंट मतलब कि जैसे न्यूज है शॉर्ट सेल्फ लाइफ है पर्सनल फाइनेंस है भी कि यार आज तुम चार स्टॉक्स खरीद लो ये तो दिस इज़ लाइक ट्रू फॉर वन और टू डेज बाद में तो तुम्हारा एक्सपायर हो जाएगा कॉन्टेंट वी क्रिएट दिस लॉन्ग सेल्फ लाइफ कॉन्टेंट जो आप पाँच साल बाद में सुनोगे तो भी उतना ही वैलिड रहेगा उतना ही लाइक like तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड वाला कॉन्टेंट रहेगा सो वी नेवर टॉक अबाउट लाइक वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ वाले थिंग्स वी टॉक अबाउट लाइक जो आपको एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट में या हाउ टू सेव मनी लाइक हाउ टू ये के फंडामेंटल्स के अंदर जाके लाइक like, वो कंटेंट बनाते हैं एंड आप जो बैकग्राउंड है राइट right? आप सिकर गांव से हैं राजस्थान में और सिकर गांव से भी तीस किलोमीटर दूर आपकी फैमिली है यहाँ पे द मेन लाइवलीहुड फार्मिंग तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब वुड पॉइंट मैं आज से पंद्रह साल पहले की बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब वुड हैव बीन द आइडियल टू लि ए बी द नेक्स्ट पर्सन इन द फैमिली टू बहुत ही अलग पाथ चूज़ किया आपने अनकन्वेंशनल पाथ और बहुत अननोन वाला पाथ राइट दो हज़ार बारह में आपने ऑन्टरप्रीनरशिप जर्नी शुरू करी और अब दस साल बाद एवरीबडी ने उसको को एफ एम बट ये दस साल काफ़ी अननोन से तो तो क्या कन्विक्शन आया कि है? एक ट्रेडिशनल पाथ ना क्योंकि जो आप पढ़ाई में अच्छे थे आई आई टी जोधपुर में हो गया था तो एक्चुअली लाइक इफ आई स्टार्ट फ्राम माई विज या आई एम फ्रॉम आई लाइक स्मॉल विलेज इन सीकर टाउन दैट इज़ इन राजस्थान उस विलेज में भी बाहर जहाँ पर खेती लाइक like, फार्मिंग होती है वहाँ पर हम रहते थे टिल टेंथ क्लास तक मेरी स्कूलिंग गाँव के अंदर ही हुई है तो तुम्हारे गाँव में रहते हो तो मोस्टली तुम उसी बबल में रहते हो आई रिमेंबर कि मेरे को लगता है कि मैं नाइन टेंथ तक तो कभी किसी गाँव से बाहर ही नहीं निकला होगा शहर में भी नहीं गया होगा तो मोस्टली तुम्हारी लाइफ वहीं पर रहती है सो लाइक इनिशियल डेज दैट इज़ ट्रू कि यार मोस्ट ऑफ द पेरेंट और मोस्ट ऑफ द सोसाइटी टॉक अबाउट गवर्मेंट जॉब कि यार तुम पढ़ लिख लो और गवर्मेंट जॉब लग जाओगे तो तुम्हारी लाइफ सेट है और मोस्टली होता है कि आर्मी या टीचर इस टाइप की जॉब्स की बात करते हैं तो अगर मैं इनिशियल डेज याद करूँ तो मोस्टली लाइक like, मेरे को जो मोटिवेट करता था बिकॉज तुम भी इसी सोसाइटी में रह रहे हो तो तुम अलग नहीं सोच सकते क्योंकि तुम्हें कोई पूछ ही नहीं कर रहा अलग सोचने के लिए तो आई वॉज ऑल्सो थिंग गवर्मेंट जॉब्स तो मोस्टली लाइक like, मेरा जो सपना था बीच में पहले था कि मेरे को आर्मी में जाना है देन मेरे को टीचर बनना है बट मेरा ये सारी चीज़ें चेंज हुई जब लाइक वेन आई स्टार्टेड लविंग साइंस लाइक मेरे को साइंस बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई थी एंड वाइल्ड आई वॉज लाइक इन क्लास सेवन्थ एट नाइन्थ तब मेरे को जाके रियलाइज़ हुआ कि यार अच्छा आगे साइंस लेते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है आर्ट्स और कॉमर्स थोड़ा सस्ते में हो जाता है क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी लाइक like, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पेंड कर कोटा देगी कोटा भेज देगी ये कर देगी वैसा भी background nahi tha. dear listeners before we dive further into the podcast i would like to welcome prashant kanti head of product management at zoho payroll and zoho books prashant what makes zoho payroll different from its competitors thanks siddharth so first off right zoho payroll from the ground up has been designed so that it can address the payroll complexities of as well as larger enterprises so once you have signed up started using Zoho payroll, you are never going to outgrow it. Secondly, uh, it's very easy for you to onboard your employees your uh, payroll department can easily get the hang of Zoho payroll uh, very easy. Uh, there's no complexity We have obstructed all the complexity we take all the it's everything uh, everything is handled under the hood uh, Third Thirdly, Zoho Payroll plays very nicely with the Zoho ecosystem. So, once you have signed up and started using Zoho Payroll, and once you have expanded your uh, uh, Zoho footprint, you'll see the benefits of integration and uh, data movement, thereby improving decision making across your organization. And finally, Zoho Payroll is not just a product, it's going to be a platform as well. Thank you, Prashant. Dear listeners, you will find more about in the show notes. Now let's further continue with the podcast. But I started loving so much like education में इतना ज़्यादा interest आ गया था कि यार मेरे को like पढ़ना ही है और science मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मेरे को like mostly अगर मेरे को यहाँ कुछ नहीं हुआ तो मैं जाके teacher बन like mm. वो वाला angle पकड़ा था and in tenth class like I scored well क्लास के अंदर लाइक टॉप के अंदर लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं फिर और तुम जब तुम बोलो कि यार मेरे को हाँ साइंस ही लेना है तो मेरे लाइक जो स्कूल के अंदर जो हेड मास्टर थे जो डायरेक्टर थे उन्होंने उन्होंने हेल्प किया कि यार मैं तुमको शहर भेज देता हूँ और तुम्हारी फीस भी नहीं लगेगी तो मैं वहाँ से शहर आया अच्छी स्कूल काफ़ी अच्छी स्कूल और वहाँ पे बाद में मैंने साइंस मैथ लिया था वहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट हुआ देन इन मिड इलेवंथ क्लास पता चला कि यह था कुछ आईआईटी नाम की कुछ जेई नाम की कुछ एग्ज़ाम होती है उससे पहले मेरे को नहीं पता था जेई एग्ज़ाम की होती है मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्ज़ाम और ये जब मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम होता है यू गेट क्यूरियस यार ऐसा क्या होता है इस एग्जाम में और हम इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, उसी चीज़ का आता है देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट्स तो कुछ कुछ कोचिंग क्लास भी कर रहे थे उस टाइम बाहर जाके तो आई स्टार्टेड टेकिंग दे मेटेरियल और मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट mm -hmm. आ गया कि वा वाह दिस इज समथिंग दो लाइक मेरे को बहुत ही मजा मतलब ये नेक्स्ट लेवल है तो आई स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर जेई कुछ कुछ बुक्स ले आया आई डिट ज्वाइन कोचिंग क्लास लेकिन कुछ बुक्स लेके ये करता रहा देन लाइक विथ दिस इंटरेस्ट और विद दिस क्यूरियोसिटी बाद में जेई में भी सिलेक्शन हो गया देन आई टू आई जोधपुर और आई जोधपुर के अंदर एक अलग माहौल था कि यार अलग पूरी कंट्री से स्मार्टेस्ट लोग वहां पे आते तो यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम लेकिन वहां पे मेरा बाद में पढ़ने का इंटरेस्ट चला गया था मोस्टली कि आई डोंट नो कि कॉलेज बहुत सारे लोगों के साथ होता है सेम थिंग मी तो पढ़ने का इंटरेस्ट चला गया बट आई स्टार्टड रीडिंग अदर बुक्स तो काफी बायोग्राफी से स्टार्ट किया स्टार्ट रीडिंग एवरी बायोग्राफी जो भी मेरे को भी मिलती है एंड स्लोली स्लोली आई स्टार्टड गेटिंग दिस के यार ऑन्टरप्रीनियरशि भी कुछ चीज़ होती है आई कैन स्टार्ट माई ओन कंपनी लाइक कॉलेज के अंदर माहौल होता है कि यार तुम जॉब के लिए तैयारी करते हो कि यार हाँ मेरे को इस टाइप की जॉब चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में जाना गूगल में जाना है फेसबुक में जाना है बट बिकॉज ऑफ़ दिस लाइक बायोग्राफी पढ़ के वो एकदम कनेक्ट किया कि यार कुछ तो बड़ा इम्पैक्ट वाली चीज़ करनी है एंड ऑन्टरप्रनरशिप के बारे में पता चला कि यू कैन स्टार्ट यूर ओन कंपनी ऑल्सो और इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ईजी है स्टार्ट करना देन लाइक like, कुछ बड़ा इम्पेक्ट करना है तो अब यू कैन कनेक्ट फ्राम माई जर्नी कि मैं ऑलवेज़ इन एजुकेशन सिस्टम में ही रहा हूँ इसके अलावा मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है तो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द आइडियाज़ बट आउटसाइड एजुकेशन कोई आइडिया नहीं आया तो आई स्टार्ट थिंकिंग आर फ्रॉम माई लाइक इनिशियल जर्नी लाइक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो दैट वाज़ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन लाइक अगर मैं मेरे टेंथ तक की स्कूलिंग किए गांव से वहाँ से भी लाइक ओनली टू स्टूडेंट्स बाहर आए उस गांव से निकल के बाकी, सब बाकी सब गांव में रहे बाकी सब गांव में रह गए और बाद में लाइक like, अगर इलेवन ट्वेल्थ भी की तो वहाँ से चार स्टूडेंट निकल के अच्छी कॉलेज में गए बाकी वहीं के वहीं रह गए और उसके बाद में तुम जब कॉलेज में आते हो तो वहाँ पे लाइक अलग ही ट्रांजिशन होता है और वहाँ पे मेरा लैंग्वेज का ट्रांजिशन भी हुआ लाइक इन राजस्थान गांव के अंदर आई यूज़ टू स्पीक इन मारवाड़ी शेखावाटी लैंग्वेज में जब शहर में आया तो हिंदी बोलना स्टार्ट सीख किया था पहली बार देर कॉलेज में गए तो एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश तो ये ट्रांजिशन भी था तो जब इंग्लिश में आया तो पता चला कि बहुत बड़ा लाइब्रेरी तो इसी में एग्जिस्ट करता है पूरा नॉलेज तो इंग्लिश के अंदर एग्जिस्ट करता है और हम जो हिंदी में पढ़ते हैं वो तो बस पर्टिकुलर एजुकेशनल बुक्स को तुमने ट्रांसलेट करके दे, दे दिया बाकी का नॉलेज तो कहीं एक्सेस ही नहीं होता दुनिया की बेस्ट किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही है तो ये चीज़ भी कनेक्ट हुई तो ये सारे आइडियाज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया दिन फाइनली आई डिसाइडेड कि आर आई नो कि देर इज़ लाइक दिस क्वालिटी प्रॉब्लम इन एजुकेशन लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलती नहीं है एंड आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू इंटरनेट क्योंकि तुम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर सकते हो तो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सबको पहुंचा सकते हो सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी जस्ट आफ्टर द कॉलेज मतलब वो इतना एकदम जोश आ, yeah. like, आ गया था आफ्टर रीडिंग ऑल बायोग्राफीज एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इंडियन स्टार्टअप इको सिस्टम स्टार्टेड लाइक फ्लिपकार्ट आ गया था तो आई स्टार्ट रीडिंग न्यूज अबाउट फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी होगी सोलह बिलियन हाँ, इंडिया से बना दी हाँ मतलब सोलह बिलियन उस टाइम नहीं था लेकिन लाइक वी स्टार्टेड जब बुक्स खरीदनी होती तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर hmm. कर देते वी स्टार्ट यूज फेसबुक भी कब किया था दो हज़ार नाइन में स्टार्ट किया था तो तुम कॉलेज में होता तो, तो यू स्टार्ट है डिस्कसिंग ऑल दीज आइडियाज़ क्या ये छोटी सी कंपनी थी कितना बड़ा हो गई बाद गूगल की हिस्ट्री पढ़ते हो अमेजन की हिस्ट्री पढ़ते हो फ्लिपकार्ट तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है उसकी जर्नी की थी और हम यूज़ कर रहे हैं उसको तो वो अलग ही थ्रिल देता है क्या दे आर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम है दे आर लाइक मास को इम्पैक्ट कर रहे हैं लाइक कितना अमेजिक चीज़ है इससे अमेजिक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती सो फाइनली लाइक विद द विजन की यार

मोर एजुकेशनल मटेरियल सो वो जो पहला आइडिया था दैट वाज बी टू बी टू सी वाला कि यार स्कूल्स के साथ टाइप करेंगे उनको हम hmm. टेस्ट वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल देंगे सो देट दे कैन गेट मोर इन और वो सब कुछ हो सके तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ था उसके बाद की जर्नी भी काफ़ी वोसम रही तो आई एम फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ आई जोधपुर लाइक मेरा कोई सीनियर नहीं था वहाँ पर और आई गोट दैट थ्रिल टू स्टार्ट द कंपनी आई वॉज द ओनली वन हुटार्ट द कंपनी तो कोई वो किसी ने स्टार्ट नहीं किया सो लाइक देर वॉज नो वन टू मेंटर वी बट लाइक बिकॉज आई गोट इंक्यूबेटेड इन आई आई टी तो डायरेक्टर हेल्प मी विथ समन की यार तुम इसको मैंटर करो तो आई गोट वन मैंटर बट आई यूज टू मीट वंस इन टू मंथ लाइक दो महीने से hmm. तुम मिल रहे हो तो लाइक एकदम जीरो नॉलेज अबाउट स्टार्टअप जस्ट एक प्रॉब्लम पता है उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है इंटरनेट के थ्रू हो सकता है इसके अलावा कुछ भी नहीं पता तो आई क्रिएटेड ए वेबसाइट उसके ऊपर पूरा ये बनाया स्टार्टेड टॉकिंग टू स्कूल्स उस स्कूल से बात करते हो तो बड़ा ही फ्रिक्शन होता था बाद में पता चला कि यह डिसीजन मेकर के पास पहुँचा तो बहुत डिफिकल्ट है तुम तो सिक्योरिटी गार्ड से बात करते फिर किसी टीचर से कनेक्ट करवाता है टीचर बोलता है कि हेड पता चलता है हेडमास्टर भी डिसीजन मेकर नहीं ओनर तो कोई और है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आई लर्न ए लोट इन टू थाउजेंड फोर्टीन आई केम टू नो कि देर आर अदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑल्सो इन इन इंडिया लाइक टॉपर वाइजू ये सब और इन टू थाउजेंड फिफ्टीन आई गोट ऑफर फ्रॉम टॉपर कि यार तुम भी एजुकेशन फिक्स कर रहे हो हम भी एजुकेशन फ़िक्स करने की कोशिश करें लेट्स वर्क टुगेदर तब तक ऐसे रियलाइज़ हो रहा था कि यार ये लाइक मैन आई कैम टू नबाउट टॉपर एंड पता किया तो उन्होंने फंडिंग रेज की तो पता चला फंडिंग भी रेज होती है <laughs> लेकिन पता ही नहीं था फंडिंग भी रेज होती है और वो इतने बड़े हो चुके हैं सो आई गांट समी यार कुछ तो मिसिंग है सो लेट्स वर्क टुगेदर एंड सीखते हैं कुछ देन आई विल स्टार्ट माई नेक्स्ट वेंचर तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी सो लाइक दिस ऑन्टरप्रनरशिप वाला नोट कि यार मैं बचपन से ही वो ऐसा इंस्पायर करता था इट इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी की आई इज़ ऑलवेज क्यूरियस आई वॉन्टेड टू लाइक वन इज़ क्यूरियस आई ऑलवेज टू लाइक डू समथिंग थ्रिलिंग वाला पार्ट किया कुछ तो बड़ा इम्पेक्ट वाली चीज़ करते हैं पर लीक से हटके करने का कीड़ा कहाँ से आया दैट इज़ ऑलवेज वो वाला था कि शुरुआत से ही था शुरुआत में जैसे इफ़ आई विल टॉक अबाउट माई विलेज जर्नी जो मेरा एजुकेशन हुआ वहाँ पे वहाँ पे भी लाइक जब मेरे को पता चला कि यार मेरे को एजुकेशन में साइंस अच्छी लगती है और मेरे को पता चला कि यार साइंस के अंदर मेरा फ्यूचर नहीं है लाइक क्योंकि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते मेरे जो तो सब कहते हैं आर्ट्स पढ़ लो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो लाइक पीपल सेड कि यार तुम आर्ट्स लो क्योंकि आगे वरना तुम पढ़ ही नहीं पाओगे इतना एक्सपेंसिव है लाइक मेरे घर वालों को भी डर लगता था कि यार ये कैसे होगा बट इन टेंथ क्लास वो होता है ना कि यार मेरे को तो पढ़ना तो यही है आई गॉट गुड मार्क्स देन आई कन्विंस माई टीचर कि यार मेरे को तो जाना इधर ही है तो वो एक होता है जिद वाली चीज़ की यार जो करनी है जो अच्छी लगी वही करनी है मेरे को अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े देन लाइक आई कन्विंस माई डायरेक्टर कि यार मेरे को आप फ्री में करवाओ मेरे पास लाइक like, घर वालों के पास पैसे तो नहीं है कि वो इतना स्पेंड कर सके क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन लाख स्पेंड करना पड़ता है तो आई गोट कन्विंस देम देन इन 11th एंड ट्वेल्थ के अंदर भी जब एकदम फ्री एजुकेशन हुआ दिन आई वर्कड हार्ड किया हाँ मेरे को अब जब मेरे को यही पता चला कि ये मोस्ट ऑफ एग्जाम है तो आई गोट दैट थ्रिल किया मेरे को जाना तो इधर ही कि मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी देन आई जितना फाइट कर सकता हूँ पूरा लास्ट माइल तक फाइट करता हूँ कि करना तो यही है तो इन कॉलेज ऑल्सो आई गोट दैट कीड़ा कि यार अब तो यार स्टार्टअप इज समथिंग दो दो मास को इम्पैक्ट कर सकता है अपना फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा होता है ना कि यार कुछ ऐसा करो जो सोसाइटी को भी इंपेक्ट करे लाइक like वो ऑलवेज़ दिमाग में रहता है कि यार ऐसा कुछ करो कि दो पूरी सोसाइटी को इम्पेक्ट करे दैट वाज ऑल्सो देर तो दैट मास इम्पैक्ट के वजन से यार ये रिस्क है लाइक एवरी इज़ डूइंग जॉब बट आई कैलकुलेटेड दैट रिस्क यार ये नहीं होगा तो लाइक जॉब तो ऑलवेज है ही है लाइक like वो कहीं नहीं जा रही सो फाइनली आई दैट हार्ड कॉल किया मेरे को तो स्टार्टअप ही करना है आफ्टर कॉलेज आपको अगर याद हो उस समय आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी होती होगी जब आपने इलेवन ट्वेल्थ करने का डिसीजन ले लिया था साइंस में फार्मिंग एक्चुअली क्या होता है कि राजस्थान में टू सीजन होते हैं तो अब ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि तुम्हारा एवरी मंथ तुम्हारा इतना इनकम आ रहा है दिस डिपेंड्स ऑन मोस्टली तुम्हारा वेदर कैसा रहता है कि यार हाँ अच्छा मौसम रहा तो फसल अच्छी हो जाती है बारिश और अच्छी होगी तो मैं वैसे कैलकुलेट करके देखूंगा तो भी मोस्टली इक्वल इक्वल लाइक कि तुम घर का खर्चा चला सको और थोड़ा बहुत एजुकेशन को सपोर्ट कर सको कि पाँच दस हज़ार तक हो तब तब तक का That वॉज द स्केल की यार दस हज़ार से ऊपर है तो हमारी औकात से बाहर है उसके आगे नहीं कर सकते साइंस एजुकेशन की बात करो तो लाइक like, जब कोटा के स्टूडेंट्स करो तो वो एक लाख से ज़्यादा फीस दे रहे हैं अगर तुम सिकर में स्कूल की भी बात करो फॉर फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड पर ईयर का फीस तो देट वाज लाइक आउट ऑफ माई पेरेंट्स कैपेसिटी दैट्स वाई वो फीयर की यार हाँ तुम साइंस मतलब वो तो हमारे आउट ऑफ रेंज ही है तो ऑलमोस्ट अपने इम्पोसिबल करके हाँ मतलब वो रहता ही है कि यार हाँ मेरे को जो अच्छा लग गया उसको मैं पूरा लास्ट माइल तक एफर्ट करके मेरे को वही करना है और सम हाउ आई कनेक्ट द डोर्स की यार मैं पूरी फाइट करूँगा अगर नहीं हुआ तो आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग लाइक मेरे को पता है मैं गेन ही करूंगा फाइनल में अगर मैं एकदम वर्स्ट के में फेल भी हो गया दैट नॉलेज विल भी विथ मी लाइक अगर मैं साइंस अगर मैं पूरा फाइट मारता टेंथ क्लास में नहीं मिलता तो अभी आई नो क्या मेरे को मैथ्स आती है मेरे को साइंस अच्छी लगती है मैं कॉमर्स में भी जाता हूँ तो आई विल परफॉर्म वेल लाइक मेरे को पता था कि अगर मैं वो भी ले लूँगा तो अच्छा करूँगा लेकिन ये मिल गया तो लाइक like, मेरे को जो अच्छा लगता वो होगा सो समहा आ इन माई माइंड लाइक इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन बट यू वेट द थिंग्स लाइक जब मैं कंपनी भी स्टार्ट कर रहा था एट दैट टाइम आई ऑल्सो वेट वेट किया कि मैं जॉब करूँगा तो क्या होगा ये करूँगा तो क्या होगा सम हाउ यू कैलकुलेट इन यूर माइंड क्या वर्स्ट केस में क्या है लाइक like, फेल हो जाएगा जॉब तो कहीं जा ही नहीं रही ना लेकिन ठीक है एक साल लेट हो जाऊंगा दो साल लेट हो जाऊंगा बट जॉब इज ऑलवेज देर बट जो मेरे को अच्छी लगती है वो मैं बाद में कभी नहीं कर पाऊंगा लाइक वो वो रहता है कि मेरे को अभी अच्छी लगेगी तो मैं अभी लाइक इमीडिएट एक्शन मेरा वही होना चाहिए दैट इज़ समहा इन द माइंड की आप वेट करने के बाद हाँ ये डिसीजन करना तो यही करना है अगर वर्ष कैसे फेल हो गया तो दैट ऑप्शन इज ऑलवेज देर और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो गाँव में जैसे आपके गाँव की बात करें वहाँ गवर्नमेंट जॉब इज द हाईएस्ट एस्परेशन ट्रू और राजस्थान तो एकदम एक्सट्रीम है उसके अंदर सो आई विल से वन इज सेफ्टी लोगों को थोड़ा सा सेफ फील करना होता है कि यार अगर मेरे को जॉब मिल गई तो कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए फैमिलीज ऑल्सो वांट टू फील सेफ किया मेरे बच्चों को जॉब मिल गई तो एक इनकम चालू हो जाएगी प्राइवेट जॉब में भी है दोनों चीजें उनको डर लगता है कि यार हाँ प्राइवेट जॉब में कुछ भी हो सकता है सबसे बड़ा एंगल वही है कि यार तुम फ्री हो जाते हो अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो मेरे को कुछ लाइफ में करना ही नहीं है जब गवर्नमेंट जॉब लगती है उतना ही माइंड रहता है उनका लाइफ मोस्टली वो ग्रो हो ही नहीं पाते बिकॉज दे आर ऑलवेज इन देट माइंड सेट मेरा एम इज गवर्नमेंट जॉब लगना उसके बाद में मेरी लाइफ सेट है सेफ्टी इज वन रीजन और उसके बाद में आई थिंक वो ट्रिकल डाउन होकर अब तो एक्सट्रीम लेवल पर होता है कि लोगों की शादी भी नहीं होती विदाउट गवर्नमेंट दिस नेक्स्ट लेवल लाइक अभी तो कुछ भी चल रहा है बट आई थिंक वो आता वहीं से लाइक फंडामेंटली वी वॉन्ट टू तो बी इन द सेफर साइड और अपना फैमिली कल्चर वो होता है ना कि वी आर ऑलवेज वॉन्ट तो टू लिव टुगेदर तो लाइक बच्चों को भी ऐसे पालते पोसते हैं कि हम उसकी पूरा देखभाल करते हैं कि उसको कुछ हो ना जाए कभी भी उसको इंडिविजुअल बनाने की कोशिश ही नहीं करते यू ऑलवेज़ चूज़ दैट सेफर ऑप्शन कि यार मेरे बच्चे को कुछ हो ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो अगर तुम प्राइवेट जॉब चूज़ करते हो तो हमें तो पता रहता है कि ये कभी भी कुछ अप डाउन होते रहते तो यू डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क गवर्नमेंट जॉब इज़ ऑलवेज सेफर साइड तो आई थिंक थिंकिंग वही से आती है कि यू वांट टू कीप योर किड इन दैट सेफर जोन और पेरेंट्स उसकी वजह से वो पूरा ट्रिकल डाउन होता है कि टेक द गवर्नमेंट जॉब और फैमिली के पास में ही रहो और ऑल दीज थिंक ये माइंडसेट इंडिया में अभी भी 20 से 30 करोड़ परिवारों का होगा ही होगा ट्रू आई थिंक नॉर्थ बेल्ट इज कम्प्लीटली लाइक कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है गवर्नमेंट जॉब ही करना जब कॉलेज में था ना देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि यार गवर्नमेंट जॉब और लाइक like ये जो प्राइवेट जॉब है प्राइवेट जॉब मच मच बेटर देन गवर्मेंट जॉब लाइक फर्स्ट टाइम मेरे को फील आया था कि यार नाइन्टी परसेंट गवर्नमेंट जॉब की ऑफिस आप बैठ नहीं सकते पाँच घंटे लाइक like, इतनी घटिया होती है वो लाइक like, बहुत ही घटिया कोई भी गवर्मेंट जॉब उठा लोजे बहुत ही घटिया होती है और अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करोगे तो कितना लाइक like, तुम्हारा दूसरी साइड ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होता है लाइक यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग और तुम वैसे भी देखो तो मोस्ट स्मार्टेस्ट लोगों के बीच में रहते हो गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा वो दिमाग भी वहीं पे अटक जाता तो फर्स्ट ईयर ओनली आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू गो इन दैट गवर्नमेंट वाला लाइक like ऑन्टरप्रन वाला बाद में आया था आई विल ऑलवेज बी इन दिस साइड जहाँ पे लोग इंटलेक्चुअल लोग हो और ऑलवेज ग्रोथ की साइड जा रहे हो ऑलवेज इनकी सीखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो देन आई कनेक्टेड की यार लोग हाँ आई इवन आई कॉन्ट चीज़ माइंड सेट ऑफ माई ओन फैमिली मेम्बर्स लाइक माई सिस्टर इज ट्राइंग टू बिकम टीचर फ्रॉम लास्ट एट ईयर्स वो गवर्नमेंट टीचर ही बनना है उसको ंगट कोचिंग अगेन एंड देर लाइक पीपल हुन टेन ईयर ऑल्सो अगर ये सेम लोग किसी प्राइवेट कंपनी में जाके कर जॉब करते हैं तो आठ साल में कितना इकोनॉमिक वैल्यू भी एड करते हैं खुद के लिए hmm. भी कितना ग्रो करते हैं इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ कंट्री का वो पूरा गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पूरा लाइक like वेस्ट ही होता है आई फील लाइक दैट की आर वाई यू आर वेस्टिंग सो मच टाइम पर जब आज के पेरेंट्स प्राइवेट सैलरीज देख पा रहे हैं लाइफ देख पा रहे हैं जो उनके बच्चे प्राइवेट में काम कर रहे हैं तब भी वो गवर्नमेंट जॉब की सेफ्टी क्यों चाह रहे हैं आप तो एक्चुअली एक तो सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स कम है आई विल से कि जो प्राइवेट के अंदर बहुत अच्छा कमाने वाला और बहुत अच्छी लाइफ जीने वाला तो एक्चुअली तुम प्राइवेट में काम करो अच्छी लाइफ तो उनके साथ में नहीं हो यू आर मोस्टली इन लाइक टीयर वन सिटीज पर वो ट्रैवल करके तो आपको मिल सकते हैं राइट आपके रिश्तेदार आप रेयरली मिलने को, को आते हैं रेयरली लाइक मेरे पेरेंट्स आज तक मेरे से मिलने के लिए नहीं गए आए like, दस साल से बाहर हो लेकिन आज तक मिलने नहीं आए और अगर वो एक दो दिन देखते तो भी उनको ऐसे लगता है कि यार तुम तो कितने लाइक like, शहर में कितनी भाग वाली लाइफ में रहते हो तुम्हारे तो लाइफ स्टाइल ही ऐसी है तो एक तो सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स कम है अगर सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स है तो वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं ऑलवेज और अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब लगते हैं वो अपने घर के आसपास रहते हैं, तो वो घर पे ही रहते दैट इज़ आई थिंक वो सोशल सर्कल भी है कि एक बार सरकारी जॉब लग जाता तो पीपल रिस्पेक्ट भी तुम्हें अलग ही लेवल पे देते हैं लाइक इवन यू आर कलर इन समवेयर बट लोग लाइक like, बाई वो तुम्हें रिस्पेक्ट अलग ही लेवल पे होते तो इसके वाये में जाते हैं राइट ये एज ए सोसाइटी हम ऑन्टरप्रनरशिप अब थोड़ी सी फैशनेबल हो गई है राइट अब बता रहे हो आपके परिवार में दस हज़ार से ज़्यादा का बजट नहीं होता साल का आपकी पढ़ाई के लिए और आज आप 200 सौ एम्प्लॉय का लाइवलीहुड चला रहे हो अपने राइट तो एग्ज़ाम्पल्स कम हैं या ये सेफ्टी क्यों चाहिए एक परिवार को क्योंकि आज तक सेफ्टी नहीं देखी परिवारों ने गांव में छोटे शहरों में क्योंकि तो दिस इज़ वेरी इंडिया स्पेसिफिक कोको एफ एम की बात कर रहे हैं ये क्यों आ रहा है कुकू एफएम एम अ वेरी इंडिया स्पेसिफिक फिनना कि कुकू एफएम इंडिया में क्यों चल रहा है अगर आप कुकू एफ किसी और कंट्री में आए तो नहीं चलता क्योंकि आपने अपने यूज़र की इन्साइट समझी यूज़र को समझा उसके लिए आपने बनाया ठीक है और आप कह रहे हो कि मैं चार्ज कर पा रहा हूँ जबकि YouTube प्रीमियम के लोग पैसे नहीं देते हैं True. इंडिया में uh -huh. आ, आपके शायद सब्सक्राइबर्स YouTube प्रीमियम में ज़्यादा हों इंडिया से राइट right? तो मैं वो साइक अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि एक मास्टर्स में इंडिया में एक सेफ्टी का इतना और वो स्टेटस है गवर्नमेंट जॉब का वो भी सेफ्टी से ड्रिवेन है मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि भाई एक क्लर्क इस शहर का राजा वो कुछ भी नहीं है सेवक है राइट दैट्स इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट सर्विस तो ये ये सेफ्टी नेट कितना क्यों बन गया आई थिंक इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन को ना अपने पेरेंट्स के भी पेरेंट्स से आना पड़ेगा hmm. तो अपने पेरेंट्स पेरेंट्स के मोस्ट ऑफ देम वर लाइक डूइंग फार्मिंग सब लोग मोस्टली फार्मर ही थे देन hmm. अपने पेरेंट्स आए मेरे पेरेंट्स से फार्मर लाइक देर आर सेवनटी परसेंट पॉपुलेशन के hmm. सारे लोग फार्मर ही हैं उस जनरेशन और इस जनरेशन कोई चेंज नहीं हुआ वो भी फार्मिंग करते थे वहीं पर उनकी शादी हुई उनके बच्चों की शादी हो गई वो भी फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया कि मास लेवल पर एजुकेशन हुआ है देन पीपल स्टार्टेड गोइंग आउटसाइड नाउ दे नीड देर किड्स टू बी सिमिलर लाइक जैसे मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा किया मैंने मेरे पेरेंट्स की देखभाल की लाइक इन इंडिया पेरेंट्स एक्सपेक्ट किया यार बच्चे वो मेरी इंश्योरेंस है लाइक like, बुढ़ापे में यही मेरा ख्याल करने वाले तो मैं इसको पार पोस के रखूंगा मेरे पास रखूँगा तो मेरी अच्छे से सेवा करेंगे तो उनका माइंड सेट वही रह गया कि यार हाँ मेरे बच्चे मेरे आस पास ही रहने चाहिए बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड विद इन इंडिया नाउ तो अभी जाके थोड़ा ट्रांजिशन हो रहा है कि यार नाउ जो न्यू जनरेशन है वो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि यार हाँ चलो मैं एजुकेट हो गया नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप तो वहाँ पर आती है कि यार पेरेंट हो तुम दोनों की एक्सपेक्टेशन कैसे मैच करोगे क्या मैं इस आस पास भी रह जाऊँ और मैं एजुकेट होकर थोड़ा अच्छा भी दिखाऊँ तो वहाँ पर आता गवर्नमेंट जॉब तो दे स्टार्टेड टेकिंग गवर्नमेंट जॉब अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब सारे लोग एजुकेट हो गए अब इंटरनेट के ऊपर भी आ गए इंटरनेट के ऊपर आते हो तो अब तुम्हारी एस्परेशन इंक्रीज होती है तो अब तुमने और एग्जाम्पल्स भी देख लिया अभी तक तुम बस सरकारी जॉब देख रहे थे या डॉक्टर इंजीनियर इन तीन के अलावा नाम नहीं जानते थे इवन एजुकेट होने के बाद भी बट विथ इंटरनेट नाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग यार जो न्यू जनरेशन है वो दैट स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ मैं स्टॉक मार्केट में कमा सकता हूँ मैं बिजनेस चालू कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ और एक्चुअली लोग फाइट करना स्टार्ट कर दिए सो अपने पेरेंट्स और जो न्यू जनरेशन है वो न्यू जनरेशन के बाद की आगे की पूरी की पूरी जनरेशन ये बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है सो so, ये जो सरकारी वाला प्रॉब्लम है ये दैट इज अपने पेरेंट्स और उसके इमीडिएट जो एजुकेटेड लोग हो गए उसके बीच के गैप का एक्सपेक्टेशन है क्या तुम हमारी सेवा करो और तुम उनको पढ़ा लिखा दिया तो तुम कुछ अच्छा काम भी करो अब अच्छा काम आता है अगेन गवर्नमेंट जॉब तो वो बीच में एक्सपेक्टेशन मैच करने के लिए यू आर डूइंग दैट थिंग बट आई थिंक आफ्टर इंटरनेट एडोप्शन पीपल स्टार्टेड एस्पायरिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो सो अब अवर द टाइम आई थिंक दैट इज चेंजिंग इन इंडिया बट यार इट इज़ जो सेपर साइड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द लाइक वो जनरसन का है कि यार हाँ मैंने मेरे पेरेंट्स को संभाला तुम भी मेरे को संभालो लेकिन यू आर एजुकेटेड तुम कुछ करो भी और मेरे पास भी रहो तो इट कम्स टू गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब इज नाउ स्टेटस सिंबल और इंडियंस यार लाइक बहुत ही ज़्यादा स्टेटस यार हाँ मेरे को तो स्टेटस तो चाहिए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में ऑलवेज गवर्मेंट जॉब इज स्टेटस सिंबल की यार हाँ मेरा बेटा थानेदार है तो दैट इज समिंग हाँ मैं प्राउडली बोलता हूँ दैट कम्स अगेन वो जो मैं शुरुआत में क्लिक करवा रहा था कि एस्परेशन वहीं से आते बट विथ इंटरनेट इट इज़ थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही है बट हाँ ये जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट जॉब वाले सेफ्टी साइड वो आ रही पूरा अपना पूरा जनरेशन का कि यार हाँ मेरी देखभाल भी करो तुम तो जैसे हम मानिए आपके गांव में आपके रिश्तेदार आपके पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देखेंगे राइट right, आपका यूट्यूब पे और बाकी चैनल्स पे आपके अलग अलग पॉडकास्ट हुए हैं इंटरव्यूज हुए हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ कुछ बदलाव हो गया है कि अब आने वाली और दूसरी पीढ़ी को जो गांव में है उसको गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं धक्का देना आई थिंक पेरेंट्स अभी भी उतना चेंज नहीं हुए हैं बट द न्यू जनरेशन स्टार्टेड चेंजिंग लाइक आज से कुछ को यूट्यूबर बनना है कुछ को इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बनना है कुछ को स्टॉक्स में कमाना है कुछ को बिजनेस बनना है लाइक किड्स अंडरस्टैंड दिस की मैं क्या कर रहा हूँ तो लोग एक्चुअली लाइक like, कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं कि यार ये कैसे चालू करते हैं जाते हो गांव साल हाँ, में हाँ मैं दो तीन महीने में गांव तो जाता हूँ तो कुछ लोग आते हैं कि समझने के लिए यार हाँ ये चीजें होती कैसे दे अंडरस्टैंड दिस जो पेरेंट्स वाले जनरेशन है उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करता हूँ लिटरली अभी भी उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करता रेडियो बना रखा रेडियो बना रखा है रेडियो जैसा कुछ तो काम कर रहा है तो दैट स्टिल देर कि यार उनको आज भी समझ में नहीं आता बट द न्यू जनरेशन इज मच अवेयर विद इंटरनेट कि यार हाँ ऐसी चीजें होती है कि तुम खुद का बिजनेस भी कर सकते हो ऑंटरप्रनशिप होती है या तुम यूट्यूबर भी बन सकते हो तुम कॉन्टेंट क्रिएटर बन सकते हो इन डिफरेंट सेगमेंट सो दैट इज चेंजिंग बट पेरेंट्स दैट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर अगेन अगर मेरे पेरेंट्स की जनरेशन को कंपेयर करवाओ मेरे बीच में गवर्नमेंट जॉब में तो गवर्नमेंट जॉब वाला अगेन ही विल विन तो या दैट्स ट्रू एक्चुअली आपको क्या लगता है आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि इन द आईज ऑफ योर पेरेंट्स आपका एक लेवल की हो कि यार अच्छा किया मेरे बच्चे ने गवर्नमेंट जॉब ना चुन के इसके लिए मेरे को ये छोड़ के गवर्नमेंट जॉब <laughs> <करे गए। laughs> तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब अच्छा किया और अगर हाँ, बंसल हाँ। तो तो एक चीज आप कर सकते हो आप अपनी कंपनी पब्लिक लेके जा सकते हो और अपने गाँव में हर किसी को अपना शेयर और खरीदवा सकते हो फिर उसका पैसा जब पाँच गुना दस गुना हो तब आपके पेरेंट्स कह पाएंगे हाँ इसने हमारे बच्चे ने हमारे गाँव वालों की लाइफ तो बदल दी Uh, <laughs> ये हो सकता है दिस माइट हैपन बट लाइक सो तो देर इज वन थिंग लाइक तुम तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मत करो सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट थिंग यार मैं मेरे गांव वालों को या गांव को नहीं कर मेरे अब तो अपने पेरेंट्स के लिए कर पेरेंट्स रहे को मैं कन्विंस कर लेता मेरे पास अदर मेथड्स भी हैं तो दिस इज वेरी ट्रू लाइक दैट आल्सो कम फ्रॉम स्टेटस ड्रीवन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग टू जस्ट टू इंप्रेस किया मेरे को मेरी सोसाइटी को इम्प्रेस करना कि <laughs> आई एम द गाय जो अच्छा करता है एंड वहीं से गवर्नमेंट जॉब निकल के आती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब बनूंगा तो मेरी सोसाइटी मेरे को रेस्पेक्ट करेगी वो मेरे को सल्यूट करेगी दैट्स वाई दैट लूप इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन और अगर मैं इधर डायरेक्शन में आया हूँ तो लाइक इट इज़ समथिंग कि मैं एक्चुअली मैं उस चीज़ें बिलीव नहीं करता आई डोंट वॉन्ट टू इंप्रेस देम आई वॉन्ट टू मेक ए लाइक गुड कंपनी जहाँ पर लोग एक्चुअली मैं मास को इम्पेक्ट कर सकूँ इन द गुड वे तो आई एम डूइंग दैट इफ दैट हैपन देन आई थिंक मैंने मेरा काम किया है बट मैं वो कह रहा हूँ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है राइट right? वो बहुत ही कम लोगों के पास होती है अपॉर्चुनिटी कि जो उनकी सोसाइटी का परसेप्शन बदलने का एक चांस जैसे आने वाले बच्चों का जो सोसाइटी में आ रहे हैं जो आपके गांव में और बच्चे आ रहे हैं उनकी लाइफ बदल सकती है क्योंकि उनके पेरेंट उन्हें अलग तरह से रेस करेंगे जो सेफ्टी था ये जो सेफ्टी का ऑप्शन था गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन था ये इसलिए आया क्योंकि आज से पचहत्तर साल पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ तो फार्मिंग इंडिया में हमेशा से रही है फार्मिंग इज द मोस्ट अनसेफेस्ट ऑप्शन कि आप नेचर पे डिपेंडेंट हो yeah. पूरा पूरा आपका घर yes, कैसा चल रहा है लाइफ इज कम्प्लीटली अनप्रोडिक्टेबल फॉर अ फार्मर मोर देन अंटरप्रीनर लाइक फार्मर इज द अल्टीमेट ऑन्टरप्रनर इन इंडिया ठीक है अगर आप वैसे देखो अनसर्टेनिटी में जी रहा है एंड उस समय आज से पचहत्तर साल पहले जो ब्रिटिश टाइम पर बाबूज हुआ करते थे या इंडियन सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे लाइक सिविल सर्वेंट इट्स नॉट लाइक सिविल किंग इट्स कॉल्ड लाइक सिविल सर्वेंट

यस <laughs> येस yes, yes, yes. और हम उस लूप पर घुसे हुए हैं वो yeah. और इन और चले ही जा रहे हैं ट्रू वेरी ट्रू so, तो मेरे ख्याल से इस जनरेशन के पास ऑप्शन है आपके पास है मेरी वाइफ नानसी के पास ऑप्शन है जो तो देवकली को बिलोंग करती हैं यार गांव के बच्चों की लाइफ एक चेंज करने का ऑप्शन थ्रो ऑन्टरप्रोनरशिप विच इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी आई थिंक या आई एम डूइंग थ्रू माई प्रोडक्ट सो लाइक दैट इज़ माई विजन की आई वॉन्ट टू इम्पेक्ट हंड्रेड सो मिलियन लाइफ इन गुड वे तो एजुकेशन के साथ भी वही विजन था विद दिस कंपनी आई हैव द सेम विजन कि हंड्रेड सौ मिलियन लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट करूँ इन द गुड वे अगर मैं गांव वाला बच्चा अगर कोको इंस्टॉल करके कुछ अच्छी बायोग्राफी सुनता है लाइक मेरी सुनने जरूरी नहीं है लेकिन अगर टाटा की सुनता है या मुजाफे हीरो mm. की बायोग्राफी सुनता है दैट इज ऑल्सो समथिंग मेरे लिए काम हो गया आई वॉन्ट टू डू देट अगर उसके सेकेंडरी इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ मेरा भी सक्सेसफुल एग्जाम्पल बन जाता है दैट विल बी माई सेकेंडरी लाइक माई प्राइमरी गोल इज़ टू लाइक एक्चुअली टू गिव दिस कॉन्टेंट टू एवरी किड इन द कंट्री एवरी यूथ इन द कंट्री सो दैट दे कैन कंज्यूम दैट कॉन्टेंट इन दे कैन एस्पायर कि यार हाँ मैं एक्चुअली ऐसा बन सकता हूँ और जो ये जितने बड़े हुए हैं सारे लोग यहीं से निकले हुए हैं थैंक यू सो मच बिशो तो मैं इस कन्वर्सेशन को घंटों गंतो और घंटों में एंजॉय करना चाहता हूँ कंटिन्यू करके बट वी हैव टाइम लिमिट्स आई हैव टू टेक अ पॉज एंड थैंक यू सो मच आपने इतने दिल से शेयर किया पॉडकास्ट <laughs> पे थैंक यू थिंको एफ एम की ग्रोथ नए इंडिया की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है Then 100 million <laughs> <laughs> will be our next target. Thank you for Thank inviting me.